नमस्कार, मैं खुश हूँ, आप देख रहे हैं खबरदार। सागर विधायक से सीएम बोले लालच मत करो, बहुत हुआ, मांगों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे शैलेंद्र जैन। डॉक्टर मोहन यादव ने की 6 घोषणाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सागर में मंच से घोषणाएं कर रहे थे, तभी विधायक शैलेंद्र जैन उनके पास मांगों की लिस्ट लेकर पहुंच गए। सीएम उनसे बोले अब लालच मत करो, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा, एक उंगली पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, पूरी ही पकड़ रही हो, जरा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रही हो, आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा। पीटीसी ग्राउंड पर सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने सागर जिले के लिए 6 घोषणाएं की, मांगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ही उनके सामने रखी थी। सीएम ने कहा हरि सिंह गौरजी को आज नहीं तो कल भारत रत्न मिलना चाहिए। मंच पर मुख्यमंत्री के सामने एक बच्चे मोहित राजपूत की किडनी ट्रांसप्लांट का मामला रखा गया। उन्हें बताया गया कि 11 लाख रुपए का खर्च आएगा, 5-6 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी पैसे सरकार देगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। सभा में इसका जिक्र कर मुख्यमंत्री ने कहा हमने 100 दिन से भी कम समय में विश्वविद्यालय दिया, इसी सत्र से विश्वविद्यालय काम काज करना शुरू करेगा, यहाँ के बच्चे जो कोर्स चाहेंगे वो सारे के सारे खोले जाएंगे। सीएम ने मनरोनिया नगर पालिका क्षेत्र स्थित बरतूमा में बन रहे संत रविदास मंदिर और संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। डॉक्टर यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा सागर दौरा है। पहली बार जब 20 जनवरी को आए थे तब राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा कर गए थे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 3 शहरों में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर को रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर किया गया। आदेश में ये भी कहा गया कि लीडिंग कॉलेज विश्वविद्यालय की संगठक इकाई होगी, यानी महाविद्यालय का अस्तित्व बना रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।